एक बहुत सोहना मुंडा ट्रेन विच चढ़िया। उसनों वेख के मेरा दिल ही मेरे वस च ना रहा। मैं तां पहली नज़र विच ही उसनों अपना दिल दे बैठी सी। ट्रेन विच बैठन लई उसनों कोई सीट नहीं मिली, इसलिए मैं उस मुंडे नू अपनी सीट ते बिठाया। ते जदों ओ मेरी सीट ते बैठिया तां उसने मैनू कहा, दोस्तों मैं तुहानू अपनी जिंदगी दी एक सुहावनी गल दस रही हाँ। मेरा नाम प्रीति है, मेरी उम्र 22 साल है, मेरा रंग गोरा ते मेरे तिखे तिखे नैण नक्श हन। मैं चंडीगढ़ दे एक वड्डे कॉलेज विच पढ़दी हाँ। एक बार दी गल है, मेरी प्रीख्या पूरी हो जाण तो बाद मैनू एक महीने दियां छुट्टियां होईयां सी, इसलिए मैं अपने घर जाण बारे सोचिया। हर साल मैं गर्मी दियां छुट्टियां विच घर जांदी हाँ। मेरे पापा ने मैनू कई बार कहा है कि तेरी उम्र हुण व्याह दी हो गई है, तेरे लई कई रिश्ते भी आ रहे ने, हुण असीं तेरा व्याह कर देंदे हाँ। पर मैं अजे व्याह करवाउण नूं तैयार नहीं सी। मैनू लगता है कि मैनू ग्रैजुएशन पूरी कर लेनी चाहीदी है, व्याह बारे बाद विच भी सोचिया जा सकता है। सब तो पहला मैनू अपना भविख स्ट्रोंग करना है। घर जाण दी खुशी च मैं अज बहुत सारी शॉपिंग कीती। मैं अपने पापा ते मम्मी लई बहुत सारे कपड़े खरीदे ते अपने छोटे भरा लई भी कपड़े खरीदे। मैं पैकिंग विच रुझ गई। ट्रेन रात 10 बजे तो रवाना होके सवेरे 5 बजे लखनऊ पहुँचेगी। ऑटो चालक मेरा जानकार ही सी, इसलिए मैं उसनू कहा कि मैनू शाम 9:30 बजे स्टेशन ते उतार दियो। वैसे मेरे नाल एक होर कुड़ी भी रहिंदी है, वह भी उस जिले की है जिहड़े जिले की मैं हाँ, पर वह अगले हफ्ते अपने घर जाएगी। इसलिए मैं सिर्फ एक टिकट ही बुक करवाई ताकि मैं आराम नाल रिजर्वेशन विच जा सका ते अपने घर पहुँच सका। मेरे मम्मी ने मैनू फोन ते दस्या सी कि मेरे मामा जी दे किसी दा व्याह है तो असी ने उत्थे भी जाना है, इसलिए मैं भी अपने मामा जी दे घर जाण लई बहुत ही उतावली सी। मैं शाम नू 9 बजे ऑटो वाले नू फोन कीता। उसने मैनू कहा कि मैडम मैं 20 मिनट तक पहुँच रहा। अगले 20 मिनट तक ऑटो आ गया। मैं अपना सारा समान ऑटो विच रख लिया ते अद्धे घंटे विच असी स्टेशन ते पहुँच गए। उदों तक प्लेटफॉर्म ते ट्रेन भी आ चुकी सी। मैं बोगी नंबर वेख्या ते सीट नंबर चैक करके अपनी सीट ते बैठ गई। मेरी हेठां वाली सीट सी। मैं बहुत खुश सी क्योंकि मैं बाहर दा नज़ारा भी वेख सकती सी। मेरे वाली बोगी च लगभग सारे आदमी ही सी। ट्रेन दा समा हो गया तां ट्रेन चल पई। रेल गड्डी दी रफ्तार अजे ही भी बहुत ही घट सी। एक छोटा जिहा स्टेशन आया ते फिर अचानक एक नौजवान डिब्बे विच चढ़ गया। डिब्बे च उस वक्त कोई सीट खाली नहीं सी। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ 'ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੀਟ ਲੱਭ ਲਓ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। फिर मैं सोचा कि वह बेचारा खड़ के थक जाएगा, इसलिए मैं उसनू मेरी सीट ते बैठन दा इशारा कीता। थैंक यू कहण तो बाद वह मेरी सीट ते बैठ गया। मैं पहला सीट ते लेटी हुई सी। उसनू बैठन लई थां मिल जावे इसलिए मैं अपने पैर इकट्ठे कर लए। मैं सौंग सुन रही सी ते सौंग सुनदे सुनदे मेरी अख लग गई। तकरीबन रात 1 बजे दे करीब जदों मेरी अख खुली तां मैं वेख्या कि ओ मुंडा अजे भी मेरे पैरां कोल ही बैठा सी। मैं उठ के बैठ गई। उसने कहा कि तुहाडी नींद पूरी हो गई है,
अजे तो लखनऊ आने च भी काफ़ी टाइम है। मैनू लगा कि वह बेचारा बैठा बैठा थक गया होवेगा, इसलिए मैं अपनियां लत्तां थोड़ियां होर इकट्ठियां कर लईयां ते मैं उसनू कहा कि तुसी भी थोड़ी देर लेट जाओ, तुसी बैठे बैठे थक गए होवोगे। उसने कहा, मैडम तुसी पहला ही मेरे लिए बहुत तंग होए हो। मैं इस तरह ही बिल्कुल ठीक हाँ। ओ मुंडा बहुत ही सोहना सी ते ओ बड़े प्यार नाल गल्लां कर रहा सी। मैं उसदे वल खिची ही जा रही सी। मैं उसनू होर जगह दे दित्ती। हुण पूरी सीट ते असी दोनों जने ही बैठे सी। मैं स्कर्ट ते टी शर्ट पा रखी सी, इसलिए बैठे बैठे मेरे कपड़े थोड़े बिखर गए। मेरी टी शर्ट थोड़ी उपर उठ गई, इसलिए मेरी कमर विखाई देन लगी। उसकी नज़र मेरी कमर ते जा रही सी। पहला तो मैं इस गल वल ध्यान नहीं दिता, पर जदों ओ मेरे नाल गल कर रहा सी तां उसकी निगाह मेरी कमर ते ही हुंदी। मैं टी शर्ट पाई हुई सी, जिस करके जदों भी रेल गड्डी तेजी नाल चलदी तां मेरा शरीर भी हिलदा ते मेरे अगे वाले भी हिलण लग जांदे सी। मैनू पढ़ाई च इन्ना समा नहीं मिलदा सी कि मैं इन्हां गल्लां वल ध्यान दे सकां, पर हुण तां मेरा मन पूरी तरह नाल उतेजना नाल भर गया। मैं उस मुंडे वल कुछ ज़्यादा ही ध्यान देण लगी। हुण ओह मेरे नाल खुल के गल्लां करन लगा। उसने मैनू पुछया कि की तुहाडा कोई बॉयफ्रेंड है, तो मैं हस के इनकार कर दिता। उसने कहा कि क्यों नहीं बनाया, तुसी बहुत जवान ते सोने भी हो। मैं उसदे मूहों अपनी तारीफ सुन के बहुत खुश हुई। मेरे मन च आया कि इसनू ही अपना बॉयफ्रेंड बना लेंदी हाँ। मैं उस तो उसका नंबर लिया ते हुण तां मेरे होश ही उड़ गए सी। लखनऊ पहुँचण च अजे 5 घंटे बाकी सी। डब्बे च लगभग सारे यात्री सौ चुके सी। असी दोवें ही सी जो जाग रहे सी। मैनू तां लगभग 3 घंटे दी नींद लैण तों बाद होर नींद नहीं आ रही सी, पर उस मुंडे नू शायद नींद सताउण लगी सी। उसने सीट दे सहारे अपनी पिठ लगा के अपनियां अखां बंद कर लईयां। मैं उसनू कहा कि तुसी सीट ते लेट जाओ। मैं उठ के बैठ गई सी तां करके सीट हुण खाली सी। फिर ओह मेरे कोल ही लेट गया ते मैं उसदे बिल्कुल कोल बैठी सी। मेरा मन कर रहा सी कि मैं उस नाल रज के प्यार करां, उस नाल प्यार करन दी कोई भी कसर ही ना छड्डां, पर ट्रेन विच ये संभव ही नहीं सी। मैं ये सब ही सोच रही सी कि अगले ही पल ओ सौ भी गया। नींद च उसनू पता ही ना लगा कि उसने अपना हाथ मेरे हाथ दे उपर रख लिया सी। मेरे दिल नू कुछ कुछ हो रहा सी। मैं अपना हाथ नहीं हटाया, सगों मैं उसका हाथ अपने हत्थां विच लै लिया। मैनू बहुत ही वधिया महसूस हो रहा सी। मेरा दिल कर रहा सी कि मैं उसदे बुल्लां नू चुम लवां, मैं किसी होर दुनिया विच ही चली जावां, ओह भी मैनू रज के प्यार करे ते अपनी बुक्कल विच लै लवे। पता नहीं मैनू की होण लगा सी। फिर मैं भी उस साइड ही लेट गई। सीट ते जगह घट होण कारण असी दोवें एक दूजे दे बिल्कुल नाल लगे पए सी। साडे दोवां दे शरीर एक दूजे नू छो रहे सन। मेरे अंदर तां कुछ हो रहा सी। मैं बहुत बेचैन हो रही सी। मैं उस वल करवट बदल के लेट गई। हुण मेरा चेहरा उसदे चेहरे वल सी। मैं अपना हाथ उसदे उपर रख लिया। जदों उसदी अख खुली तां उसने मेरे हाथ वल एक नज़र मारी ते मुस्कुराउंदे हुए कहा, मैडम तुसी की चाहते हो मेरे कोलों। मैं शर्मा गई। उसने मेरे बुल्लां ते अपनी छो छड़ दित्ती। शायद वह उदों तो ही मेरिया हरकतों नोट कर रहा सी। वेखदे ही वेखदे साढ़े दोवां विच प्यार हो गया। तो दोस्तों चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो होर वधिया कहानियां सुनने लई।
धन्यवाद जी।